न्यू लोक कल्याण समिति ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कालपी नगर की समाज सेवी संस्था न्यू लोक कल्याण समिति द्वारा मकर संक्रांति में आए हुए श्रद्धालुओं को चाय ब्रेड तथा अलाव का प्रबंध किया गया। साथ ही समिति द्वारा क्षेत्र अधिकारी आरपी सिंह कालपी के साथ गरीबों को कंबल भी वितरित किए गए। समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा, टीम एडमिन बिरजेंद्र कुमार, उप टीम एडमिन आदिल खान, ऑडिटर रोहित सिंह चौहान, उप सचिव मोहम्मद इमरान तथा कोषाध्यक्ष मोहम्मद शाहनूर, शिवम कुमार, करण कुमार, अर्जुन कुमार, गुलफाम मोहम्मद, जमीर समीर, अमरी खान, मुस्कान, मीडिया प्रभारी फहीम खान आदि लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग किया। जो आज मकर संक्रांति के बारे में आपका क्या कहना है? मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी स्नानार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मकर संक्रांति की। और जो हमारी न्यू लोक कल्याण समिति यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए चाय ब्रेड कम्बलात की व्यवस्था की है, ये गंगा जमनी तर्ज पर हम लोगों का सब काम कार्यक्रम चलता है। ये हमारी न्यू लोक कल्याण समिति विगत वर्षों से यहाँ पर हर वर्ष मकर संक्रांति में और अन्य अवसरों पर अपना सेवा शिविर लगाकर लोगों की सेवा करने का व्रत लेती है। इसमें हमारे सभी सदस्य गंगा जमनी तर्ज पर हिंदू मुस्लिम की भावना अलग करते हुए मानवता की सेवा के लिए जो व्रत लिया है हमारी समिति ने, वो उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसमें हमारे सभी वॉलंटियर सर्दी घोर सर्दी की परवाह न करते हुए 5 बजे से यहाँ सुबह हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ सभी लोगों को गर्म गर्म चाय ब्रेड और जो निर्धन हम लोगों ने जिनका नाम चयन किया था हमारे वॉलंटियर ने, उनको कंबल की व्यवस्था की गई। तो ऐसा महसूस होता है कि गंगा जमनी तर्ज वास्तव में यहाँ पर कालपी में विद्वान है। यहाँ पर किसी की कोई हर पर्व में सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, जब इस सच्चे भारत की तस्वीर प्रस्तुत होगी। क्योंकि कुछ लोग केवल सीमित होकर इस पर्व को मनाने की बात सोचते हैं, वो बात उनकी बात को मैं नकारता हूँ, सिरे से नकारता हूँ। केवल सभी लोग मिलकर मनाएंगे तभी ये पर्व मनाना हर्षोल्लास के साथ अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय। आखिर क्या चल रहा है राजनीति के गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा किसान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान, भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में, बेखौफ इरादे, मजबूत कदमों के साथ।